22 महीने में तरुण कुमार। देखिए आज हम ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग, और ये स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन की तरह ही आज हम स्ट्रक्चर ड्राइंग को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये देखिए ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, और मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आज हम सीखेंगे डिजाइन द सिंगली रेंसफोर्स बीम, इसका आज हम ड्राइंग बनाएंगे। और ये देखिए क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज को इस प्रकार दी गई होती है, ये मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, ये आपको हेल्पफुल करेंगे। तो आइए जानते हैं स्पान ऑफ बीम लेंथ। इसमें लेंथ दे रखी है आपको 4 मीटर की, थिकनेस ऑफ बॉल ये दे रखी है आपको 300 mm, बियरिंग ऑफ बॉल ये दे रखी है आपको 200 mm की, साइज ऑफ बीम 300 × 600 mm, मेन बार इन्होंने बोल रखा है आपको 12 mm का डाया दे रखा है इन्होंने, और 4 बार दे रखी हैं जिसमें 2 बार बेंट अप दी की गई हैं, और कितनी LY7 दूरी पर ये भी आपको मैं बताऊंगा। और स्ट्रिप ये 8 mm का डाया दे रखा है 2 लेग्ड वाली, और स्ट्रिप इसकी स्पेसिंग दे रखी है 300 mm सेंटर टू सेंटर, और टू नंबर्स बार यूज, और क्लियर कवर दे रखा है आपको 25 mm का। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए ऐसी प्रकार मेरी वीडियो पे। तो देखिए इसको स्टार्ट करने के से पहले हमको एक स्केल माननी पड़ती है, जैसे कि हमने कुछ इस प्रकार मानी है, 1/15 mm की हमने स्केल मानी है, क्योंकि ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे ड्राइंग पर शो नहीं हो पाते हैं, इसी प्रकार इसलिए हम एक स्केल निर्धारित करते हैं जो हमें एक ड्राइंग शीट पर बनानी पड़ती है। ओके गाइस, तो देखिए जैसे कि हमने ड्राइंग पर स्केल मानी है, इसके लिए आपको एक ये कैल्सी चाहिए और एक मिनी ड्राफ्टर। ओके गाइस, तो मैं अभी आपको ये रफली दिखाऊंगा बना के, और बाद में आपको मैं लास्ट एंड में इसका ओरिजिनल व्यू दिखाऊंगा। ओके गाइस, तो ये देखिए जैसे कि इसमें थिकनेस बॉल दे रखा है, जैसा ये मैंने आपको भी बताया था, इसमें थिकनेस ऑफ बॉल 300 mm की, तो ये कुछ इस प्रकार दे रखी है 300 × 15। तो देखिए इसको कैसे चेंज करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए 300 × 15, ओके 300 है आपकी बॉल और 15 है आपका स्केल, तो ये आई है आपकी 20 mm, तो 20 mm को हम चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो आया है आपका 2 mm, सॉरी 2 सेंटीमीटर। तो गाइस ये देखिए आपकी ये वाली बियरिंग बॉल होती है आपकी, ये वाली बॉल थिकनेस, ये पूरी होती है बॉल थिकनेस, और इसकी आधी होती है बियरिंग ऑफ बॉल। तो गाइस अब इसमें आपको दे रखा है क्लियर स्पान दे रखा है आपको 4 मीटर का, तो 4 मीटर प्लस 200 प्लस 200, आप सोच रहे होंगे 200 कहाँ से आया, तो ये देखिए आपको गाइस ये दे रखा है आपको बियरिंग ऑफ बॉल 200 mm की। अब ये 200 mm क्या है हमारा, ये 200 mm को हम इसमें ऐड कराते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 4 मीटर की ये दे रखी है, इसको mm में चेंज कर देते हैं, तो ये 4000 प्लस 200 इधर राइट और 200 लेफ्ट, ओके तो ये हो जाएगी आपकी 0.400, तो ये हो जाएगी आपकी 4.4। तो 4.4 को हम स्केल में चेंज करते हैं, तो ये देखिए गाइस 4.4 × 100, तो ये आपका 440। 440 को हम स्केल में चेंज करते हैं, तो ये आया आपका 29.3 सेंटीमीटर। तो गाइस आपको पहले एक रफली लाइन खींच लेनी है जो आपकी
जो आपकी स्केल में मानकर आई थी 29.3 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो ये देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। गाइस का एंड में मैं ओरिजिनल व्यू दिखाऊंगा, ठीक है। ये मेरा रफली है, वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए इसको ये नीचे खींच लेते हैं। बॉल आपकी कितनी भी हो सकती है, इसको इसके पैरेलल रख के अब इसकी दूरी आई थी हमारी, देखिए दोस्तों जैसे कि आई थी 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर ये एंड 2 सेंटीमीटर ये, ऐसी गाइस ऊपर करेंगे यहाँ से इसके पैरेलल के 2 सेंटीमीटर ये एंड 2 सेंटीमीटर यहाँ रख के 2 सेंटीमीटर ये। अब इसको इससे मिला देंगे एंड इसको इससे मिला देंगे, और ये देखिए इसको इससे मिला देंगे पैरेलल रख के। आप स्केल से बनाना अच्छा बनेगा। तो ये देखिए अब इसको हम पार्टीशन बॉल दिखा देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बॉल इसके नीचे भी और है। ओके गाइस, ऐसे ही इसको बना देते हैं कुछ इस प्रकार। तो ये हमारी हो गई बॉल, बॉल थिकनेस। अब गाइस इसमें हमको कवर निकालना है, जैसे कि ये दिया है कवर, दिया है 25 mm का। तो 25 mm को जैसे इन्होंने, मैंने स्केल में किया है 25x15, तो आपको दिखा देता हूँ मैं 25x15। तो ये आया 1.6 mm, तो इसको सपोज 2 mm मान लेते हैं। तो दोस्तों 2 mm स्केल में मानेंगे यहाँ से यहाँ, ऊपर से भी 2 mm। अब इसको इससे मिला देंगे, इसके पैरेलल रख के इस रेखा को इससे मिला देंगे, ऐसे ही इसको मिलाएंगे। ओके गाइस, अब इसमें आपको मैंने बताया था अभी ये जो बियरिंग ऑफ बॉल होता है ये 200 mm का होता है। तो 200 mm को आप स्केल में चेंज करोगे 200/15, तो ये आ गया आपका 1.3 mm। तो यहाँ से आप 1.3 यहाँ एंड 1.3 यहाँ रख के अब इसको बेंट कर देंगे कुछ इस प्रकार, ऐसे ही इसको बेंट करा देंगे। और उसको बेंट कराने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, इसको बियरिंग ऑफ बॉल को ऐसे मिला देंगे इसको अपोजिट करके, और यहाँ से ये जो था 2 mm की दूरी पर था, तो यहाँ से भी 2 mm एंड यहाँ से भी 2 mm। इसको पैरेलल खींचना दोस्तों, ये मैंने फ्री हैंड बना रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इसी प्रकार वॉल थिकनेस कितने की दी थी ये हमको, ये दी थी हमको 300 mm की, तो ये आया 300 mm। ओके गाइस, तो इसमें हमको बोला है नंबर्स ऑफ स्ट्रिप्स, जैसे कि कुछ इस प्रकार दिखाया है, ये हमको दे रखा है 300 mm की दूरी पर। तो 300 mm की दूरी पर निकालने से पहले हम इसमें नंबर्स देख लेते हैं कितने स्ट्रिप्स इसमें लगने वाली हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बराबर लेंथ ऑफ मेंबर माइनस 2 गुणा क्लियर कवर। क्लियर कवर इसमें इस प्रकार इसलिए लेंगे क्योंकि इधर से भी क्लियर कवर हो रहा है एंड इधर से भी, इसी वजह से इसमें हमने 2 से गुणा कराई है। और इसके
अपोन में सेंटर टू सेंटर ऑफ स्ट्रिप। तो हमको लेंथ दे रखी थी इसमें फोर, फोर मीटर की लेंथ दे रखी थी, तो उसको हमने एमएम में कन्वर्ट किया है। तो एमएम में कन्वर्ट करके 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 4000 आ गया, माइनस 2 × 25। 25 क्या है हमारा, ये जैसे कि हमने इसमें कवर लिया था तो यही इसमें 25 mm का कवर है, अपॉन 300 mm। 300 mm ये देखिए दोस्तों, 300 mm ये है स्पेसिंग, 300 mm की अपॉन में ये लिया है हमने। अब इसकी मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपके पास कैल्सी होना ज़रूरी है। तो ये देखिए, 4000 माइनस 2 × 25, तो ये आया हमारा 3950। इसको डिवाइड करेंगे हम स्पेसिंग से तो ये आया हमारा कुछ इस प्रकार 13.1। तो दोस्तों इसको अब जब वायर डालेंगे मेन बार तो उसको आपको डालने में दिक्कत होगी, तो इसी वजह से हम इसको 13 mm मान लेंगे। तो ये 13 mm मान लेंगे, तो देखिए कि जैसे हमने लिखा है 13 mm, 13 mm ले लिया हमने। ओके, अब 13 mm चलो हम वायर डालते हैं। अब ये वायर जो डलेंगी 300 mm स्पेसिंग पर डलेंगी। अब 300 mm स्पेसिंग मैं बताता हूँ आपको, 300 mm भागा 15, सॉरी गाइस, 300 mm भागा 13 बार्स थी ना हमारी, तो ये आया 2.3। तो 2.3 पर दूरी रखकर यहाँ से 2.3 की यहाँ से 13 बार्स लगा लेंगे। तो देखिए मैं लगाता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13। ओके गाइस, आप स्केल से बनाओगे तो और अच्छा बनेगा। अब इसमें जैसा कि आपको दिखाया गया था, ये वाला 2 bars L/7 दूरी पर सपोर्ट है। तो ये देखिए L/7 दूरी पर जब बेंट अप हुई हैं तो ये हमें लेंथ दे रखी है 4 meter की। 4 meter की गुणा हम 100 में करेंगे। 100 में करने पर जो हमारा आंसर आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई करा के देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 4 × 100, तो ये आया हमारा 400। 400 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, ये 26.66 आया। तो 26.66 आया हमारा 26.66 भागा 7। ये 7 से हमने भाग क्यों कराया, ये L/7 दूरी पर है तो ठीक है, इसी वजह से हमने 7 से भाग कराया। तो ये आया हमारा 3.8, जैसे कि ये लिखा है मैंने 3.8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ से इससे पहले यहाँ पे हम एक पार्टीशन वॉल करते हैं दोनों साइड, इसकी कुछ एक दूरी जुड़ जाएगी आधी आधी, जैसे कि ये हमारी दूरी थी, ये हुई हमारी 4.4 meter। ओके गाइस, तो ये देखिए ये वाली दूरी जो थी हमारी, ये थी हमारी 4 meter, और ये क्या है, ये है क्लियर कवर, और ये वाली दूरी जो है ये है हमारी इफेक्टिव स्पान। ये वाली दूरी जो आएगी, ये मैं बात को बताऊंगा आपको, ये वाली दूरी जो आएगी ये आएगी टोटल स्पान 4.6 meter। एक बार और बता देता हूँ, ये हमारा क्लियर कवर है 4 meter का,
क्लियर स्पान, सॉरी क्लियर स्पान ए इफेक्टिव लेंथ होगी, स्पान लेंथ और स्पान एक ही होते हैं, ये वॉल थिकनेस है हमारी 3 mm की एंड ये टोटल स्पान है 4.6 मीटर का यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये L/7 दूरी पर काटी गई थी जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया था। तो अब यहाँ से अपनी स्केल रखकर 3.8 दूरी पर कुछ यहाँ और 45 एंगल पर इसको ऐसे काट लेंगे। काटने के बाद ये 45 डिग्री पर बेंड होगी। इसी प्रकार कुछ इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 45 डिग्री पर बेंड होगी। अब ऊपर भी हम यही दूरी पर बना लेते हैं, यहाँ से देख के कितना आया था हमारा, ये आया था 3 पॉइंट, सॉरी गाइस ये आया था 1 पॉइंट कुछ, तो ये और यहाँ इसी प्रकार ये, तो देखिए कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पे इसको सिंबल दिखा देते हैं बोल के, इसी प्रकार इधर ये वाली जो थी आपकी ये होगी बियरिंग बॉल, बियरिंग बॉल। और दोस्तों ये जो हमने ये पॉइंट बनाए थे उसको इसके पैरेलल रख लेंगे जितनी दूरी पर ये आए थे 13 पर। इसको हल्के पेंसिल से खींचना और अब इसका नामकरण कर देंगे कुछ इस प्रकार, जैसे कि यह है 8 mm एंड 2 लेग्ड स्ट्रिप्स। कितनी mm पे दे रखी है स्पेसिंग पर, 300 mm 300 mm। और ये है आपकी मेन बार, मेन बार ये दे रखी है आपको 2 नंबर्स। और ये देखिए दोस्तों इसका हम सेक्शन काट लेते हैं, इसमें सेक्शन 2 प्रकार कटेंगे XX, एक तो बेंड होने से पहले और एक बेंड होने के बाद। ये हमने काटा पहले वाला और ये काटा हमने बाद वाला, ठीक है गाइस। तो ये देखिए इसमें हमें दूरी दे रखी थी, ये देखिए कुछ इस प्रकार 300 × 600 mm। तो आप इसको स्केल में चेंज करोगे तो ये आ गई आपकी 300/15, ये आ गई 20, तो 2 सेंटीमीटर आ गया, ऐसे खींच लोगे एंड ये दे रखी आपको 600 mm की, 600/15 तो ये आया 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आप ऐसे मिला दोगे। इसी प्रकार इसको ऐसे बना देंगे, ये 4 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर। अब इसका हम कवर ले लेंगे 2 mm का, 4 कॉर्नर से कवर लेने के बाद अब दोस्तों इसमें हमें नीचे मेन बार में दिखा रखी थी, देखो 4 बार दिखा रखी है, तो ये बेंड होने से पहले का डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं XX वाला,
तो ये चार वायर है, एक दो तीन चार, ठीक है। तो इसी प्रकार हम बेंड होने के बाद वाला दिखाते हैं, ये भी इसी प्रकार बनेगा, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। कवर ले लेंगे इसका 2 mm का चारों साइड से। अब देखो दोस्तों, जब इसमें हमारी चार वायर थी, ठीक है, इसमें ये हम बेंट होने के बाद बना रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये जो है बेंट होने के बाद बना रहे हैं। तो ये जो 2 बार हैं, ये 2 बार ऊपर पहुंच गई, एक और एक इधर से है 2। तो ये जो 2 बार हैं, ये हमारी 4 थी, तो ये 2 बार जब ऊपर पहुंच गई तो ये 2 बार यहाँ आ जाएंगे, 1 2 बेंट अप वाली और 2 मेन बार, ठीक है गाइस। तो ये देखिए इसकी ओरिजिनल शेप लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ये 600 mm एंड ये है हमारी 300 mm। जब भी हम लेंगे इसकी ओरिजिनल शेप लेंगे, वैसी वाली शेप नहीं लेते हैं, वो ओनली एक स्केल वाली शेप होती है। अगर स्केल वाली शेप लोगे तो आपका डायग्राम ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम ये लेंगे। ओके गाइस, तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि इसका मैं आपको ओरिजिनल फिगर दिखाता हूँ, उससे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है एक्सपेंशन गैप बोल दो या जॉइंट बोल दो, एक ही बात होती है। ओके, तो चलिए, ये तो है मेरा रफली कैलकुलेशन, आपको ये मैंने दिखा दिया इसमें। ओके गाइस, तो ये देखिए, आपको मैं इसका ओरिजिनल फिगर दिखा देता हूँ, इसमें बताता हूँ एक बार ध्यान से। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा कुछ इस प्रकार, ये मेरा ओरिजिनल है। तो ये ओरिजिनल वाला, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर की दूरी होती है। ये देखिए, जैसे मैंने इस प्रकार बताया था आपको, ये 4 मीटर की स्पान लिया था हमने, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 मीटर है। अब इसमें हमने ब्रिक बॉल जोड़ी है। ब्रिक बॉल कितने की थी हमारी, 300 300 × 300, तो इसमें हमने प्लस किया है 300 300, तो ये हो गया हमारा ये देखिए, ये टोटल 4.6। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो हमारी होती है जहाँ से हम बेंट अप मारते हैं, ये वाली दूरी LY7 वाली जो होती है, ये देखिए LY7 वाली दूरी जो होती है, यहाँ से आधी ये एंड्स आधी ये, या तो आप एक साइड की जोड़ लो, या फिर आप आधी आधी दोनों साइड की जोड़ सकते हो। तो बियरिंग ऑफ बोल आपको 200 की दे रखी थी, इसलिए देखिए हमने ये जोड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखिए इफेक्टिव स्पान 4.4 मीटर। ये देखिए दोस्तों, ये हो गई आपकी, जो हमने आधी ली थी, ये हो गई आपकी बियरिंग बोल हो गई आपकी 200 mm की। और दोस्तों, ये LY7 दूरी, यहाँ से आप वो रख के चांदा और 45° का कोण पे आपको यहाँ एक रेखा खींच देनी है। दोस्तों ये देखिए, ये बीम हमारा था 600 mm का, 600 mm हमारा ये हो गया। और दोस्तों, इसमें हमारा ये हमारे देखिए दोस्तों, ये हमारी मेन बार हो गई, ये वाली जो होती है। देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ, मेन बार आपकी इस प्रकार पड़ेंगी और डिस्ट्रिंग बार आपकी ये वाली पड़ती है। आपको जब मैं बनवे स्लेब बताऊंगा तो उसमें आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब हम ये बीम बनाते हैं, तो बीम में हमें ओनली मेन बार दिखाई देती हैं, जैसे कि ये 1 2
दो बार इसके पीछे हैं, एक इधर एंड एक इधर। अब डिस्टेंसिंग बार ही दिखाई देती है हमको, तो ये देखिए डिस्टेंसिंग बार दिखाई दे रही है। ये हमारी 13 ही थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। दोस्तों जब आप ये ओरिजिनल शेप में बनाओगे इसकी, तो आपका ये डायग्राम सही हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था ये, और ब्रिक वॉल ये भी हो गया दोस्तों। ये इसका सेक्शन हो गया एक्स एक्स एंड एल एक्स, जो बेंट बार से पहले का है, जो बेंट बार के बाद का है। ओके गाइस, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया हो। और दोस्तों जो ये मैं आपको बताता हूँ, इसको अब एक फेयर कॉपी में लिखें, पहले इसको रफ में बनाएं फिर फेयर करें। ओके गाइस, तो आपको समझ में आ गया हो, ऐसी मुझे आता है, आई होप ऐसी मुझे आता है। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डिस्कस करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके गाइस।